हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी मेहंदी को डार्क और सुंदर बनाने के लिए। तो हम जब भी मेहंदी अप्लाई करते हैं, हम सभी की बहुत इच्छा होती है कि हमारी मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क और गहरी आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम मेहंदी अप्लाई कर भी बहुत देर तक भी उसे रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा हल्का और फीका लगने लगता है। तो आज की वीडियो में सारे छोटे से बड़े लेकर सारे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी भी मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क और गहरी आए। तो मेरा सबसे पहला टिप ये है कि जब भी आप मेहंदी अप्लाई करें, सबसे पहले अपने हाथों को बहुत अच्छे से साबुन से वॉश कर लीजिए, क्योंकि मेहंदी अप्लाई करने से पहले आपके हाथों पर किसी भी तरह का ग्रीस या फिर ऑयली या फिर कोई लोशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाथों पर अगर किसी तरह का ग्रीस या फिर ऑयलीनेस रहेगा, लोशन रहेगा, तो आपकी मेहंदी बिल्कुल डार्क यानी गहरी नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। तो मेरा दूसरा टिप ये है कि मेहंदी लगाने के बाद आप किसी तरह का ब्यूटी ट्रीटमेंट बिल्कुल ना कराएं अपने हाथों पर, क्योंकि अगर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे कि वैक्सिंग ही कराते हैं, तो आपकी ऊपर की जो लेयर होती है वो वैक्सिंग से निकल जाती है, जिससे आपका कलर डार्क नहीं आता। तो बस इस वजह से आपका रंग बहुत ज़्यादा गहरा नहीं आता है। तो कभी भी ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने से 2-3 दिन पहले या तो फिर पार्लर में ब्यूटी ट्रीटमेंट करा लीजिए, या फिर मेहंदी अप्लाई करने के 2-3 दिन बाद आप अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। तो तीसरा टिप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन सच है, जब भी आप मेहंदी अप्लाई करते हैं उसको तुरंत ना निकालें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रात को मेहंदी लगा ली और उसी वक्त हम निकाल लेते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सी बार कलर नहीं आता है। तो जब भी मेहंदी आप अप्लाई करते हैं उसे कम से कम रात भर रख लीजिए मेहंदी, या फिर 5 से 6 घंटे अपने हाथों पर लगा रहने दें। तो मेरा चौथा टिप ये है कि जब भी आपकी मेहंदी लग जाती है और आपको लगता है कि ये सूख कर गिरने वाली है और आपको बहुत देर तक रखना है, तो आप इस पर चीनी और नींबू का मिश्रण लगा लीजिए। ऐसा करने से भी आपकी मेहंदी का रंग बहुत ज़्यादा डार्क और गहरा आता है। और अगर आपके पास नींबू ना भी हो तो आप सिर्फ चीनी को पानी में मिक्स कर उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पाँचवें टिप की तरफ। तो जब भी आप मेहंदी अप्लाई कर लेते हो तो कोशिश करें कि उसको नेचुरली सूखने दें। ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करें कि आप हेयर ड्रायर से सुखा रहे हो या फिर पंखे के नीचे बैठ के सुखा रहे हो, क्योंकि जब भी मेहंदी नेचुरली सूखती है वो बहुत ज़्यादा गहरी और अच्छी आती है। तो मेरा 6th टिप ये है कि जब भी आप मेहंदी अप्लाई करें उससे पहले अपने हाथों पर नीलगिरी का तेल लगा लीजिए। ये स्पेशली मेहंदी के लिए आता है। इस तेल को लगाकर मेहंदी लगाने से आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा गहरी और सुंदर आती है। और ये जो नीलगिरी का तेल है ये बहुत ही पुराने समय से इस्तेमाल होते आ रहा है। तो मेरा 7th टिप ये है कि जब भी आप मेहंदी अप्लाई कर लेते हो और सूखने के बाद उसको तुरंत पानी में बिल्कुल ना धोए, चाहे आपने 6 घंटे भी अपने मेहंदी को रखा हो, लेकिन तुरंत पानी में बिल्कुल हाथ ना धोए, क्योंकि मेहंदी को निकालने के बाद अगर आप तुरंत पानी में हाथ धो लेते हैं तो आपका कलर बहुत ज़्यादा फीका आता है। तो हमेशा मेहंदी को निकालने के बाद एटलीस्ट 2-3 घंटे पानी में हाथ बिल्कुल ना डालें। तो मेरा 8th टिप ये है कि हमेशा एडवांस में मेहंदी अप्लाई करें। जैसे कि आपके घर पर किसी तरह का फंक्शन या फिर कोई त्यौहार है, तो उसके 2 दिन पहले आप मेहंदी अप्लाई कर लीजिए, ताकि जब भी आपका फंक्शन या फिर त्यौहार होता है उस दिन आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा गहरी आए। छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मेरा 9th टिप ये है कि जब भी आप अपना मेहंदी अप्लाई करते हैं और हमेशा ही आपका रंग बहुत ज़्यादा फीका और हल्का आता है, तो मेहंदी को रिमूव कर लीजिए, यानी आपको पानी से हाथ नहीं धोना है। इस तरह से स्क्रब कर अपनी मेहंदी को कम्प्लीटली रिमूव कर लीजिए, फिर आप अपने हाथों पर विक्स अप्लाई कर लीजिए। ऐसा करने से भी मेहंदी बहुत ज़्यादा डार्क और सुंदर आती है। तो मेरा सबसे आखिरी और 10th टिप ये है कि अगर आपका हाथों का रंग बहुत ज़्यादा लाइट आया है, बहुत ज़्यादा हल्का आया है, तो आप एक तवे पर लौंग सेक लीजिए। इस तरह से जब भी इसकी गर्माहट आती है यानी धुआँ आता है, उस धुएँ को आपको अपने हाथों पर इस तरह से सेकना है। तो इस स्टेप को आपको बहुत ही केयरफुली करना है। इसे करने से भी आपका रंग बहुत ज़्यादा गहरा और डार्क हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे सारे टिप्स मेहंदी को बहुत ज़्यादा गहरा और डार्क बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और आगे से और भी अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।